हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सागर और आप लोग देख रहे हैं बारक्राफ्ट इन्फोटेक। एक्चुअली आज मैं बात करने वाला हूँ, आपके सामने में दो पिक्चर है, आप देख रहे होंगे। एक के पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें दीवार है और एक के पीछे बैकग्राउंड है जिसके पीछे कुछ सीनरी है। तो एक्चुअली मेरा जो मेन आज का वीडियो का टॉपिक है वो एक्चुअली मैं बताऊँगा कि बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। तो बैकग्राउंड चेंज करना तो ऐसे बहुत समय लगता है, जो बहुत एक्सपर्ट है वो अगर ऐसा बैकग्राउंड चेंज करना हुआ तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, अगर फोटोशॉप में बहुत मास्टर है तो। लेकिन आज मैं बताऊंगा चुटकी बजाते हुए, मतलब आप पलक झपकेंगे और अपना बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इसको तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जो देख रहे हैं वीडियो बैकग्राउंड, पहले इसके बारे में उससे बता दूं कि इसको जो कटिंग करना होता है, अगर फोटोशॉप आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कटिंग करने में कितना मेहनत लगता है। एक एक चीज़ का कटिंग करना होता है बेहतर तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरा कहीं भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ, या कोई भी चीज़ ऐसा ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर नहीं है वो चीज़। जैसा इस पिक्चर में है वैसा ही इस पिक्चर, सिर्फ इसका बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। इवन आप छोटे छोटे चीज़ों को देखिए, यहाँ पे देखिए इस जगह में एक थोड़ा सा लाइट है आपका आ रहा है जो मेरा दिख रहा था, और यहाँ भी देखिए सेम चीज़ वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को बारीकी से कटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और इसको कटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम कम से कम 1 से 2 घंटा मान के चलिए, अगर आप फोटोशॉप में बहुत अच्छे एक्सपर्ट है तो। अगर नहीं है तो काफ़ी समय भी लग सकता है इसके लिए, काफ़ी इरिटेटिंग भी होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाऊंगा और मैं बताऊंगा उस वेबसाइट में किस तरह से आप लोग अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये रहा वेबसाइट, और ये वेबसाइट में अगर हमको डालना, मैं उसी पिक्चर को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड के ऑप्शन में जाइए। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बता दूँगा, पहले आप इसको देख लीजिए, सीख लीजिए, फिर मैं इसका आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप में मेरा पिक्चर रखा हुआ है, मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ, फिर से वापस से इसी पिक्चर को ले लेता हूँ। मैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा समय लगता है अपलोड होने में और बैकग्राउंड रिमूव होने में। हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये रिमूव अपलोड हो करके बैकग्राउंड को रिमूव करता है तब तक। दोस्तों मेरा अभी ये बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो गया है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को, कहीं भी कोई चीज़ ख़राब नहीं हुआ है। बहुत आसानी से मैंने अपलोड किया और चुटकी में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी मैं इसी जगह से अगर मैं इस बैकग्राउंड के पीछे कोई पिक्चर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, नहीं तो अगर मुझे अगर ये PNG फॉर्मेट इसको कहीं और इस्तेमाल करना है किसी दूसरे जगह में, तो डाउनलोड करके यहाँ से आप रख सकते हैं और इस फोटो को जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड में जा कर के ये पिक्चर आपका सेट हो जाएगा, इसके पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर यहीं पे चेंज करना चाहते हैं तो ये आप देखिए, मैं एडिट पे जाऊँगा, एडिट पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सपोज़ दैट कि मुझे अगर ये बैकग्राउंड चाहिए तो अभी देखिए मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर क्या होगा, अभी देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया, अभी वाइट बैकग्राउंड था लेकिन ये अभी इसके पीछे में क्या हुआ, जो बैकग्राउंड था वो रिमूव होकर ये इस टाइप से आ गया। तो यहाँ बहुत सारा इस टाइप का बैकग्राउंड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए मेरा बैकग्राउंड, और यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ मिस नहीं है, पिक्चर का कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। छोटा से छोटा चीज़ों का भी ये वेबसाइट क्या होता है, काफ़ी ख्याल रखता है उसका। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपका ईज़िली डाउनलोड हो जाएगा, इसमें को आप डाउनलोड करके कहीं भी रख सकते हैं। सपोज इट मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अभी, और डाउनलोड क्लिक किया, डाउनलोड पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आया, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, ये देखिए पिक्चर मेरा डाउनलोड हो गया है। अभी अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, ये देखिए ये पूरी तरह से बैकग्राउंड मेरा चेंज होकर सेव हो गया।
अगर मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे ना, आप कुछ नहीं करना है, आप इसको बैक जाइए यहाँ पे, ये देखिए, और मैं इसी तरह से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड करके रख लूँगा। तो अभी क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड के पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये मेरा PNG फॉर्मेट में आ गया है। इसको कहीं भी हम ले जाके इस्तेमाल करें, किसी भी जगह में, सपोज़ दैट कि मुझे इसका थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, वहाँ पे इस्तेमाल करना है, आप यहाँ से लेके जाइए, थंबनेल के पीछे जो भी कलर डालना है डालिए, इस पिक्चर को लगा दीजिए, वहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ इस वेबसाइट का नाम क्या है। इस वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, remove.bg, remove remove.bg। अगर इस वेबसाइट पे जाके आप करते हैं तो जो काम आपको घंटों में घंटों लगता है, उस काम को आप मिनटों सेकेंडों में कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, लगा कि कुछ सीखने के लिए मुझे मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों जाते जाते इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।